मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, मैं औरैया से वापस आ चुकी हूँ घर पे अपने, और अंकुश का फंक्शन भी बहुत अच्छे से निपट गया। छठी का और चरुआ का, मतलब जो भी था, सब अच्छे से हो गया। फंक्शन सारे फंक्शन करके मैं आई हूँ। 10-15 दिन हो गए मेरे को और मैं घर पे आई हूँ। मेरा घर इतना गंदा हो रखा था, कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा हो रखा था। तो अब वही साफ सफाई में लगी हुई थी, तो मुझे 2 दिन लग गए साफ सफाई करने में, बहुत ज़्यादा। तो आज जाके मैं फुर्सत हुई हूँ और अब नहा धो के बैठी हूँ एकदम, और खाना पीना सब बना लिया है और सब बैठे हैं। गाइस, वही है कि कहीं जाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो जाना है, बड़ी खुशी होती है जाने के लिए। और लेकिन जब वहाँ से वापस आते हैं, जब ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो घर की हालत देख के रोना आता है बहुत, कि अब कभी नहीं जाएंगे। वैसे ही मेरी हालत हो रखी थी, घर की हालत इतनी ख़राब थी कि बस ये अकेले थे और अपना बनाया खाया, अपना बस वैसे ही रहता था घर। तो अब आके मैंने सफाई फाई करी है पूरी, अब जाके घर अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं, अब मैं जाके ब्लॉग बना रही हूँ आज फुर्सत होके। तो अब चलते हैं, जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है मेरा और भी, तो करते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। गाइज, आप लोगों के कमेंट आ रहा था बहुत ज़्यादा कि दीदी आप मुझे ये बताइए कि आपको अंकुश ने नेक में क्या दिया, और छठी पे क्या मिला आपको, और सतिया जो बनाया था उसमें आपको क्या मिला, मतलब गिफ्ट में जो भी कुछ है, तो वो आप हमें बताइए, उसका एक ब्लॉग बनाइए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मुझे अंकुश ने और स्वाति ने क्या नेक में दिया, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में। जब तक मैं और सारे काम कर लेती हूँ। और ये हमारे तरफ भी होने लगी है बारिश, ठंडा मौसम हो गया। वो गैया कैसे छुपी पड़ी हैं तीनों, शौक है। किस किस के यहाँ बारिश हो रही है? हवा भी चल रही है। तो गाइज, मैंने पूरी सफाई कर ली है अपने पूरे घर की, तो आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार अपना हॉल, सब रूम। तो ये है हॉल मेरा, सब किया के धुलाई करी है अच्छे से, सब सेट कर दिया है। लेकिन अभी ये इन्वर्टर जो रखा है, ये अभी इन्वर्टर नहीं लगवाया है। और ये है मेरी किचन, ये भी आके पूरी ठीक करी थी मैंने, ज़्यादा कुछ सामान नहीं है मेरे पास। ये मैंने बर्तन नीचे रखे हैं क्योंकि जगह है नहीं स्टैंड लगाने वाला। ये पानी वाला एक कैन रखा है, और अब ये अलमारी ऊपर वाली खाली है, ये पूरी लगा रखी है। ये है गैस, इसमें दूध गर्म करने के लिए रखा है। मैं अपने किचन में एक आसन ज़रूर बिछाती हूँ, पायदान, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि पानी आने गिरता रहता है। सारा मैंने राशन वहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, थोड़ा इस डब्बे में है, साबुन वाबुन इसमें रख लिया है मैंने, क्या करें जगह नहीं है ज़्यादा। वो मिक्सी सब सेट कर, और ये आदिल, ये है मेरी पूरी किचन। ये आपने मेरा रूम पहले देख ही लिया होगा पहले वाले ब्लॉग में, ये मैं आपको सब दिखा दिया था। अभी टीवी सेट हो जाएगी हमारे आज। तो गाइज, ये देखिए मैंने मलाई निकाली थी, 1 लीटर दूध आता था, तो उसमें देखिए मलाई कितनी। और अब मैं इसमें बनाने जा रही हूँ घी। मैंने इसमें मलाई डाल दी है और इसे थोड़ा पकने देंगे थोड़ी देर के लिए, गैस भी करती है। घी आना स्टार्ट हो गया है, देखिए चाहे कितना भी चलाओ लग जरूर जाता है। कब से चला रही हूँ बराबर, थोड़ा था तो मैंने किला बना के रख दिया इनके लिए, तो अपना ये खाते रहेंगे।
अभी थोड़ा और पका लेते हैं, खूब ऐसा हो जाए और हम घी छान के डब्बे में कर लेंगे। इतना घी निकला है, कटोरी पूरी भर गई है, थोड़ी खाली रह गई है। और ये इसका लास्ट वाला बचा है, ये गाय को डाल देंगे। देखिए कितना प्योर घी बनाया घर का। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं जब औरैया गई थी तो मैंने वहीं से शॉपिंग करी थी अपने भतीजे के लिए। मैं अपने भतीजे के लिए मतलब दो जोड़ी कपड़े हैं और कंदनी और दुधियाँ उधियाँ होती हैं हाथों पैरों की, वो सब मैं लेके गई थी उसके लिए, और खिलौने ये सब। तो उसके बदले अंकुश ने मुझे मतलब जो नेव होता है, मैं ये नहीं कह रही कि अंकुश ने मुझे जो सतिया बनाया था उसका भी नेव अलग से दिया था, आपने देखा होगा वीडियो में अंकुश की, और उसने 500 रुपीज़ दिए थे। और छठी पे जब मैंने अपने भतीजे को कपड़े पहनाए थे तो उसने एक प्लेट और 100 रुपीज़ दिए थे उसने, और बस यही सब। और चलते टाइम मतलब जब विदाई करी थी मम्मी ने मेरी, तो साड़ी मिली थी मुझे, साड़ी बहुत ही अच्छी है तो साड़ी मिली थी, और ये नेक था जो भी कुछ मिला अंकुश ने मुझे दिया, तो बस यही था। तो गाय सभी ने खाना खा लिया है, सब खाना पीना खा के सो चुके हैं, और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। और आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का ही खाना बनाया था क्योंकि सफाई करी थी, बहुत थकावट ज़्यादा हो गई थी तो इस वजह से। तो अब चलते हैं। तो कैसे लगी आप सभी को ये वीडियो? वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे, जय माता दी।